तक एजुकेशन हमने वहां से कवर करी. आफ्टर दैट फॉर माय हायर एजुकेशन आई जस्ट वेंट टू दिल्ली. वहां जाकर के मैंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करी, वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एज सबकी चाहत होती है कि हम किसी प्रोफेशनल चीजों को करें, सो आई जस्ट वेंट टू पुणे सिम्बोसिस फॉर एमबीए, जैसा कि आप लोगों से मोस्ट ऑफ देम के मैंने शेयर करा है. और वहां से एजुकेट होते होते फिर वहां से एक फेज ऐसा आता है कि जहां पर आपको अपने एक्सपेक्टेशंस के लिए और गार्जियंस के एक्सपेक्टेशंस के लिए आपको कहीं ना कहीं वर्किंग कल्चर्स में भी आपको एंट्री करना होता है इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड. सो वहां से फिर कहीं ना कहीं कुछ जॉब करने का मौका मिला, फिर कुछ कंट्रीज, कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज, फिर अलग अलग जाकर के जगह पर काम को हम लोगों ने करा. एंड तमाम काम के पीछे जो एक मकसद होता है किसी भी इंसान का कि आखिर आपके लिए, हमारे लिए और ये हम सब लोगों के लिए पैरामीटर्स अलग अलग है. अगर बात हम करें सक्सेस का तो या फिर अपने हैप्पीनेस का, अपने संतुष्टि के, अपने सेटिस्फैक्शन का, तो हर एक लोगों का पैरामीटर्स अलग अलग है ना. किसी को बहुत फेमस होना अच्छा लगता है, उसकी दिली ख्वाहिश होती है. किसी की दिली ख्वाहिश बहुत ज्यादा दौलत बनाने का होता है. किसी की ख्वाहिश बहुत ज्यादा प्रेस्टीज बनाने का होता है. और किसी का ख्वाहिश इन सब चीजों को एक साथ कनेक्ट करके एक खूबसूरत सी दुनिया बनाने का होता है, जिसमें सारी चीजें रहें, दौलत भी रहे, प्रेस्टीज भी रहे, आपकी सेटिस्फेक्शन भी रहे. तो इन सारी चीजों को करने के लिए, एक काम को करने के लिए जिसमें आपके पास दौलत भी बने, जो रिमार्केबल बात है, समझिएगा, ये बहुत ज्यादा पैसों का होना और बड़े सही तरीके से होना, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. और ये बड़ा रेयर होता है कि ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन. किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत है लेकिन दौलत के सोर्स को जब आप जानिएगा तो आपका सर अदब से उसके सामने नहीं झुकता है. किसी के साथ बहुत प्रेस्टीजियस है लेकिन शायद उनके पास दौलत उतनी नहीं होती है, और वो प्रेस्टीज तो वो कमाते हैं लेकिन दौलत की जरूरत भी इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा होती है. तो ये दोनों काम का कंबिनेशन जिसको आप कहते हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सही होना और बहुत पैसों का आना, ये दोनों काम का कंबिनेशन मुझे चाहिए था. व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर कि हमें पैसे भी चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, और काम भी ऐसा करना है कि जिसको लीगल पैरामीटर्स पे, सोशल पैरामीटर्स पे, हर एक पैरामीटर्स पे वो चीज खड़ा उतरना चाहिए. दिस वॉज क्वाइट अ चैलेंज फॉर मी. ये कहीं ना कहीं अपने लिए एक चैलेंज था. और तो जितने भी अलग अलग कंट्रीज में रहने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला, तो मैंने उन सारी जगह से घूमते हुए मैंने एक ऐसे प्रोफेशन को चुना जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि दौलत वहां पे बनता नहीं है बल्कि दौलत बनाने की मशीन वहां पे है, अगर आपको उस मशीन को ऑपरेट करने आता है. इंपॉर्टेंट, देखिएगा, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो एक काम को करके कोई बहुत सफल है और उसी काम को कोई दूसरा आदमी करके असफल हो जाता है. हमें डिफरेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे. हमें यह जानना पड़ेगा कि एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल में क्या गैप हो जाता है, आखिर वो प्रॉब्लम्स क्या हो जाता है. और इस चीज को जरा खुले दिल से समझिएगा, सर, बड़े ओपन माइंड से समझिएगा. एक्चुअली हम आपको बता दें, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने मन के अंदर जिस थॉट्स के सीड्स को जन्म देते हो ना, कोई छोटा सा बीज होता है, वो बीज बहुत बड़ा नहीं होता है, वो बड़ा होने से पहले उसको प्रोसेस करना होता है. ये मन के थॉट्स, पहले आप जिस काम के बारे में बार बताने जा रहा हूं इसको जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड से लीजिएगा, जब पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, क्योंकि इंसान का साइकोलॉजी क्या है कि सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में सबसे पहले आता है. और कुछ लोग मन बना करके बैठ जाते हैं कि चाहे सामने वाला जितना पॉजिटिव बोले, हम 100 नेगेटिव थॉट्स पूछ ही लेंगे, है ना. वो एकदम
मन करके बैठे होते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट को करने वाला, इस स्टॉक मार्केट को करने वाला मैं अकेला शख्स नहीं हूं। मेरे जैसे सैकड़ों, हजारों और करोड़ों लोग हैं जो आज इंडिया में स्टॉक मार्केट कर रहे हैं। और डेटा की अगर हम बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा डिमांड आज के दिन में रन कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है 3.5 करोड़ में, मालूम है सर? वो जनधन योजना वाला अकाउंट की तरह है। 3.5 करोड़ में लगभग 3.25 करोड़ ऐसे अकाउंट है जो किसी को देख करके वो स्टार्ट तो किए कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनता है, और स्टार्ट उन्होंने इस कॉन्फिडेंस से किया कि यहां पे दौलत बनते बहुत है, लेकिन अगर पूरी तैयारी नहीं रहे, अगर किसी चीजों की पूरी अपडेशन नहीं रहे, तो मालूम होता है कि उसमें डाइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक चीज आप कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते हो। कॉन्फिडेंस हर एक चीजों के लिए, अगर लगे कि नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं और कॉन्फिडेंस के बदौलत कोई काम कर ले, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको एजुकेट भी होना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस भी रखने पड़ेंगे, और अगर एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का अगर ये चीज होता है, तभी जाकर के आप किसी चीजों को कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ कॉन्फिडेंस